तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे मेरे मोबाइल के बैक पैनल के इस डिज़ाइन के बारे में। तो ये एक स्किन है रैपकट की तरफ से, जो कि मेरे स्मार्टफोन की बैक पैनल को प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इसको एक काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। इस वाले डिज़ाइन का नाम है ऑरेंज कैमियो। तो आप इस वाले डिज़ाइन को या फिर इससे अलावा भी और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के स्किन परचेस कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डराम फोटोग्राफी। आज मेरे पास और एक टेलीफोटो लेंस है रिव्यू के लिए। ये है एपेक्सल 36x सुपर टेलीफोटो लेंस। इससे पहले भी काफ़ी सारे टेलीफोटो लेंसेज के रिव्यू हमने अपने चैनल पर शेयर करे हैं, जैसे कि कासी 300mm, एपेक्सल 6x, एपेक्सल 28x, यहाँ तक कि एपेक्सल 60x टेलीफोटो लेंस के रिव्यू भी हमने अपने चैनल पर शेयर करे हैं, जिन वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करे। और ये जो एपेक्सल 36x सुपर टेलीफोटो लेंस है, इस लेंस के रिव्यू के लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे। सो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस लेंस का रिव्यू शेयर करने वाला हूं। सो ये एक टेलीफोटो यानी कि एक जूम लेंस है और इसका मैग्निफिकेशन है 36x। नाउ लेंस के बारे में बात करने से पहले हम जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलता है। सो ये है एपेक्सल 36x सुपर टेलीफोटो लेंस का बॉक्स। बॉक्स को ओपन करने के बाद अंदर हमें मिलता है क्लॉथ का एक बहुत ही प्रीमियम सा केस। केस को ओपन करने के बाद अंदर हमें मिल जाता है हमारा मेन यूनिट यानी कि एपेक्सल 36x टेलीफोटो लेंस। नाउ यहां पर आप देख सकते हो लेंस काफी ज्यादा लंबा है, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा भारी भी है। एपेक्सल के बाकी लेंसेज की तरह ही इस लेंस का भी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है। लेंस बना है कंप्लीटली मेटल फ्रेमिंग से, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। और लेंस के सामने और पीछे की तरफ आपको लेंस कैप मिल जाता है। यहाँ पर लेंस के बॉडी के ऊपर आपको एक रिंग मिल जाता है जो कि है मैनुअल फोकस का रिंग, और इस रिंग को घुमाते हुए आप अपने लेंस से मैनुअली फोकस कर सकती हो। इसका जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, तो आप 5 मीटर से मैक्सिमम इन्फिनिटी तक मैनुअली फोकस कर सकती हो इस फोकस रिंग को घुमाते हुए। लेंस के सामने की तरफ आपको यहाँ पर एक प्री अटैच्ड लेंस हुड मिलता है, जो कि साइड से आने वाला जो लाइट है उसको आपके लेंस के अंदर नहीं जाने देता। उसके बाद बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक लेंस होल्डर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच करने वाले हो। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ट्राइपॉड माउंटिंग रिंग, जिसको अपने लेंस के ऊपर अटैच करने के बाद आप अपने लेंस को किसी भी ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर सकते हो। और यहाँ पर लेंस के बॉक्स के अंदर ही आपको एक मिनी ट्राइपॉड दिया जाता है, जिससे कि आप इस लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच करने के बाद कहीं पर रख सकते हो और आप अपने खुद के फोटोज कैप्चर कर सकते हो, या फिर स्टेबल फोटोज या फिर वीडियोस कैप्चर कर सकते हो इस मिनी ट्राइपॉड को इस्तेमाल करते हुए। इस लेंस का मैग्निफिकेशन है 36x, और 36x मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा होता है। तो ये जो 36x मैग्निफिकेशन है, ये एकदम एप्रोप्रिएट है बर्ड फोटोग्राफी या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। बर्ड फोटोग्राफी में आपको अपने बर्ड से काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है, तो यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक अच्छा बर्ड फोटोग्राफी कैप्चर करने में। और ये जो 36x मैग्निफिकेशन है, इसके वजह से आपको अपनी फोटो में काफी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, खास करके बर्ड या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपको काफी ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। नाउ इस लेंस का जो खासियत है वो है इसका आउटपुट इमेज क्वालिटी का शार्पनेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोले कि मैंने काफी सारे टेलीफोटो लेंसेज इस्तेमाल करे हैं, और उन लेंसेज में एक था एपेक्सल 60x, फिर एपेक्सल 6x और अभी ये एपेक्सल 36x। इन तीनों लेंस का जो शार्पनेस है वो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी लेंसेज भी काफी ज्यादा अच्छे थे, बट इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस ये तीनों लेंस मुझे सबसे बेस्ट लगा। एंड ये जो 36x टेलीफोटो लेंस है, इस लेंस से जो फोटोज आप कैप्चर करने वाले हो वो काफी ज्यादा शार्प होने वाला है। एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से जो शार्पनेस आपको इस लेंस से मिलने वाला है वो सच में काबिले तारीफ है। यहाँ पर आप कुछ सैंपल फोटोज देख लीजिए, जिसको मैंने अपने Realme 7 स्मार्टफोन के अंदर कैप्चर करे हैं इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग पूछते हैं कि भाई हम इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए कितने दूर की चीज़ों को फोटो कैप्चर कर सकते हैं। वैसे तो आपके जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे जितने भी दूर का हो, आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। चाहे आप सन की फोटो कैप्चर करो, मून की फोटो कैप्चर करो, आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। बट इस लेंस का जो टेलीफोटो रीच है उसका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इस लेंस से अगर आप एक हाफ बॉडी पोर्ट्रेट कैप्चर करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको अपने लेंस से लगभग 18 स्टेप्स यानी कि 18 स्टेप दूर जाकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस लेंस से आप एक अच्छा हाफ बॉडी पोर्ट्रेट कैप्चर कर पाएंगे। और वहां पर आपको अपनी फोटो में काफी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, हर एक टेलीफोटो लेंस की तरह ही इस लेंस में भी आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि इस लेंस से जो फोटोज आप कैप्चर करते हो उसमें आपको थोड़ा बहुत ब्लरी एज का इशू देखने को मिलता है, जो कि हर एक टेलीफोटो लेंस में होता है। जो फोटोज आप कैप्चर करते हो उसमें मिडिल के एरिया में आपको ज्यादा शार्पनेस मिलता है, एंड जो कोने का एरिया है वहां पर शार्पनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। बट अगर मैं दूसरे लेंसेज के साथ कंपेयर करूं, तो दूसरे लेंसेज के कंपैरिजन में इस लेंस में आपको काफी कम ब्लरी एज
का इशू देखने को मिलता है। उसके साथ ही इस लेंस में आपको क्रोमेटिक एब्रेशन का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्नेस द लाइट शूट करते वक्त आपको दिखाई देता है। अगर आप एग्नेस द लाइट शूट नहीं करते हो तो आपको अपनी फोटो में कोई भी क्रोमेटिक एब्रेशन का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। सो ओवरऑल इस लेंस का क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, खास करके इस लेंस से कैप्चर की गई फोटोज का जो शार्पनेस है उसने मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस करी है। तो अगर आप मेनली फॉर बर्ड फोटोग्राफी या फिर नेचर फोटोग्राफी के लिए कोई टेलीफोटो लेंस लेना चाहते हो तो मैं ये लेंस आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। काफी बढ़िया क्वालिटी का लेंस है, इसको आप जरूर परचेस कर सकती हो। बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहां पर से apexl.in के वेबसाइट से आप इस लेंस को परचेस कर सकती हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट करके बताओ इस लेंस का क्वालिटी आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोज रेगुलरली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर।